प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति को न्यू इंडिया का बताया आधार स्तंभ। पिछले 8 वर्षों में युवाओं के समग्र विकास के लिए कई पहल। 14 जून को करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न दलों के बड़े नेताओं ने संभाला प्रचार का कमान। चुनावी समर जीतने के लिए प्रत्याशी भी जनता से मांग रहे समर्थन। राजधानी रांची में माहौल बेहतर होने से 6 थाना क्षेत्रों को छोड़कर बाकी स्थानों से हटी निषेधाज्ञा। सोशल मीडिया पर पैनी नजर। उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। और सिमडेगा में पुलिस ने सड़क निर्माण कार्य करा रहे संवेदक से रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई हथियार और मोबाइल बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को न्यू इंडिया का आधार स्तंभ बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीते 8 वर्षों में हमने इसे सशक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नई शिक्षा नीति हो या IIT और IIM का विस्तार, नए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न से लेकर खेलो इंडिया केंद्र तक, इन सब के साथ युवाओं के लिए हर जरूरी पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 जून को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे तथा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पुणे के देहू में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई स्थित राजभवन में जलभूषण बिल्डिंग और क्रांतिकारियों की गैलरी का शुभारंभ भी करेंगे। ये गैलरी महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से लोगों को परिचित कराने के लिए स्थापित की गई है। यह अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई समाचार नामक समाचार पत्र के द्विशताब्दी महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। यह अखबार पिछले 200 वर्ष से लगातार प्रकाशित हो रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साहिबगंज में केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आयोजित सम्मेलन सभा में शिरकत की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साहिबगंज में अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आयोजित सम्मेलन सह सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की पिछले 8 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही साहिबगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास की चर्चा की। उन्होंने अमर सेनानी सिद्धू कानू को याद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आजादी के बाद पहली बार जनजातीय समुदाय को उचित मान सम्मान दिलाया है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता के महानायक सिद्धू कान्हू जी के जन्म स्थान पर पहुंचकर उनको नमन किया और संथाली भाइयों को, आदिवासी भाइयों को एक सम्मान देने का काम किया। सम्मान सभा को संबोधित करते हुए विधायक अनंत ओझा ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हुआ है और यह काम अनवरत जारी है। साहिबगंज जिला में भी नहीं चलेगा ये यात्रा, संघर्ष की चलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी आए थे, हम आशा के साथ जो यहाँ के लोगों का दर्द था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द था, जो विकास की यात्रा हमने प्रारंभ की थी, उस यात्रा को रोकने का जो दर्द था, इस भाव को आपके माध्यम से हम भारत सरकार के पास, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाने के लिए इस छोटे से समय में आपके माध्यम से रखने का काम किया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने साहिबगंज के वीर शहीद जवान कुलदीप उरांव के पिता घनश्याम उरांव और गलवान घाटी में शहीद कुंदन ओझा के भाई कन्हैया ओझा को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। साहिबगंज दौरे के क्रम में श्री राय ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वागत गान कर रही आदिवासी महिलाओं से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
झारखंड समेत देशभर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8582 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 4435 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 44513 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,95,07,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी वोटरों से संपर्क साधकर मतदान की अपील कर रहे हैं। दलों के बड़े नेता भी प्रचार अभियान में जुट गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज पार्टी की उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। गौरतलब है कि मांडर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 23 जून को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 26 जून को कराई जाएगी। उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा की गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच होने के आसार हैं। गुजरात दौरे के क्रम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब हम ग्रामीण विकास को गति देकर देश के अर्थतंत्र में इसके योगदान को बढ़ाएंगे। और स्मृति चिन्ह भेंट किए। उन्होंने अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तार से जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण विकास को जमीन पर उतारने के लिए असाधारण प्रयासों की जरूरत होती है। ग्रामीण विकास थियोरिटिकल चीज नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट नहीं है। ग्रामीण विकास तभी होता है जब इसको समर्पित लोग चंदन की भांति अपने आप को घिस घिस कर सुगंध को गांव तक पहुंचाते नहीं है, तब तक ग्रामीण विकास नहीं होता। और अगर ग्रामीण विकास आधुनिक जमाने में करना है तो इसके लिए इसकी कोर्सेस बनाने पड़ेंगे, इसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और आज के जमाने की जरूरियातों के आधार पर, आज के जमाने की रिक्वायरमेंट के आधार पर ग्रामीण विकास को परिवर्तित कर जमीन पर उतारना पड़ेगा। राजधानी रांची में 10 जून के उपद्रव के बाद हालात लगभग सामान्य हो चले हैं। शांति सुकून लौटने के बाद राजधानी रांची में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। तो सिटी एसपी कर रहे हैं, जहां जहां घटना हुई वहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है। अनुसंधान टीम का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व सिटी एसपी कर रहे हैं, और जहां जहां पे भी ये इंसिडेंट हुआ है मेन रोड पे, वहां पे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इनकी स्टेटमेंट पे प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसके अलावा जो निजी व्यक्तियों की, यदि किसी की संपत्ति नष्ट हुई है, किसी को इंजरी हुई है, उसके आधार पर भी प्राथमिकियां हुई हैं और कुछ इसमें नामजद अभियुक्त भी हैं। और ये एसआईटी के द्वारा लगातार उस पूरे क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है, उनमें जो दोषी व्यक्ति होंगे उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची में 6 थाना क्षेत्रों को छोड़कर बाकी स्थानों से निषेधाज्ञा हटा ली गई है। जिले के उपायुक्त और एसएसपी ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित कर ये जानकारी दी। रांची जिला प्रशासन व पुलिस ने 10 जून को मेन रोड पर हुई हिंसक घटना को चिंताजनक बताया है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि अब शहर का माहौल काफी हद तक नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि शहर में निषेधाज्ञा लगाए जाने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसी वजह से जिला प्रशासन ने 6 थाना क्षेत्रों को छोड़कर रांची के शेष स्थानों से निषेधाज्ञा हटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि शहर के हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, लोअर बाजार, कोतवाली, चुटिया और डोरंडा थाना क्षेत्र में अभी भी निषेधाज्ञा लागू रहेगी और वहां 4 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि
अभी एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर निर्गत किया है जिसमें कोतवाली, लोअर बाजार, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा ये छह थाने के क्षेत्र में अभी भी सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा, परंतु दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आज इन 6 थानों के जो भी निवासी हैं वो घर से बाहर निकलकर अपने आवश्यक सामग्री को क्रय कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि साजिशकर्ता और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और दोषी किसी भी हाल में बक्से नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि निर्दोषों के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। शरारती लोग हैं, कौन से असामाजिक लोग हैं, डायरेक्ट हैं कि इनडायरेक्ट हैं, परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, जहाँ हैं, तहाँ हैं, कहीं भी किसी स्वरूप में हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो एनालिसिस विंग है, हम लोग साक्ष्य के आधार पर बात करेंगे और साक्ष्य के आधार पे हम लोग जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बट एक चीज मैं आप लोग मत बताना चाहूंगा कि जो निर्दोष लोग हैं उस पर हम लोग कोई आंच भी नहीं आने देंगे। एसएसपी श्री झा ने कहा कि परस्पर धर्मों का आदर और प्रेम से ही समाज में शांति रहती है। उन्होंने शहर के लोगों को अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की। अभी बहुत सारे वीडियो ऑडियो जिसमें कुछ आपको तो जिन्हें बातें कुछ अफवाह के रूप में जहां तक उड़ रही थी, हम लोगों ने उस सब वीडियो ऑडियो को भी अपने पास लगाया है और एक एक्सक्लूसिव टीम के माध्यम से हम उस ऑडियो और वीडियो की जांच करवा रहे हैं। वास्तव में कुछ सही होगा तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वीडियो सिर्फ और सिर्फ नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा को बढ़ाने के लिए की जा रहा हो तो ऐसे लोगों को हम माफ नहीं करने वाले हैं। एसएसपी ने कहा कि प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शहर में अभी भी 3500 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती है ताकि शहर में भयमुक्त माहौल बना रहे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इस बीच बीते 10 जून को रांची में हुई उपद्रव की घटना के बाद आज रिम्स प्रबंधन ने प्रेसवार्ता कर घटना में घायलों के उपचार के संबंध में जानकारी साझा करते हुए भ्रम की स्थिति को साफ किया। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिरेंद्र बिरुआ ने बताया कि अस्पताल में कुल 13 घायल लाए गए थे जिनमें से 3 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, 2 की मौत हो गई और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। नेशनल मीडिया में कुछ भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं जिसका हमें आधिकारिक तौर पर खंडन करना है। ठीक नहीं है, मतलब इस तरह की भ्रामक सूचना या भ्रामक न्यूज़ एक कहीं ना कहीं माहौल को उसको फर्दर बिगाड़ने में की तरफ इंगित कर सकती हैं, इसलिए हम जो इलाज के एंगल से जो हमारा जो पक्ष है हम उसको रखना चाहते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के कुछ हिस्सों में उपद्रव के मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने लखनऊ में कहा कि ऐसे मामलों से देश की छवि खराब हो रही है। ऐसा वातावरण खड़ा करते हैं कि आम जनमानस का आम जीवन भी प्रभावित उससे होता है, देश की छवि भी खराब होती है और जिन युवाओं के हाथों में कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, खेलने का सामान होना चाहिए, उनके हाथों में वो पत्थर देने का काम करते हैं। इससे उनको बाज आना चाहिए, क्योंकि आज का युवा राष्ट्र निर्माण में जुड़ना चाहता है, ना कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे राजनीतिक दल जो इसके पीछे लगते हैं, ऐसे लोग जिस मानसिकता के साथ आते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिमडेगा में पुलिस ने सड़क निर्माण कार्य करा रहे संवेदक से रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधकर्मियों के पास से कई हथियार और मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं। पिछले 2022 को गोलबा थाना अंतर्गत कांड संख्या 14-22 दर्ज किया गया था, जिसमें कांड के वादी जो है उन्होंने बताया है कि उनको कुछ व्यक्ति जो है बार बार जो है धमकी दे रहे हैं और धमकी देकर वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जो जानकारी उपलब्ध हो पाई उसमें यह है कि जो व्यक्ति है जिनको धमकी दी जा रही थी, यह टीटांगर थाना क्षेत्र में रोड का काम चल रहा था जिसमें कि ये मुंशी का काम करते थे। हमें सूचना प्राप्त हुई, अविलंब जो है इसमें कांड दर्ज किया गया और पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रदोष परवा के नेतृत्व में। इधर एसीबी घुसखोरों के खिलाफ
ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत खुटपानी के उप निरीक्षक हरीश चंद्र पात्रो को एसीबी ने 10,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार 15 अगस्त 1947 में जन्मे भारतीयों को सम्मानित करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से इस अवसर को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में देश भर विभिन्न कार्यक्रम को हो रहे हैं। हम इस अवसर पर विशेष रूप से 15 अगस्त 1947 के जन्मे नागरिकों को सम्मानित करना चाहते हैं, जो कि देश की आजादी के 75 वर्षों पूरे होने पर अपने जीवन के 75 वर्षों पूरे करेंगे। प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती राखी गुलजार उनमें से एक है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के स्वतंत्र नाम के एक महिला और उत्तर भारत से आजाद नाम के एक व्यक्ति उन कुछ लोगों में से है जिसका जन्म इस ऐतिहासिक दिन पर हुआ था। सभी से अनुरोध है कि 15 अगस्त 1947 को जन्मे हुए सभी नागरिकों को नाम, नंबर, पता और कोई भी प्रमाण पत्र ईमेल 47bond.azadi75@gmail.com पर साझा करें। आशा है कि इस प्रयास हेतु आप सभी का सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की आंख मिचौली को देखते हुए चतरा में नाराज उपभोक्ताओं ने हंटरगंज में प्रदर्शन किया और नियमित बिजली सप्लाई करने की मांग की। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के हुसीर पंचायत के दर्जनों गांव में आम की खेती आबोहवा में मिठास घोल रही है। नक्सली और अफीम की खेती से बदनाम खूंटी जिले की तस्वीर अब बदलने लगी है। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के हुसीर पंचायत के दर्जनों गांव के किसानों ने मनरेगा योजना से जुड़कर 500 एकड़ टांड भूमि में आम बागवानी कर नई मिसाल पेश की है। हुसीर पंचायत के अलग अलग गांव टोलों के 600 किसान आम बागवानी कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में जुटे हैं। पौधा दो भाई मिला के वही 375 है, 275 है। तो इस बार कितना उम्मीद कर रहे हैं, कितना कब बिक जाएगा? इस बार उम्मीद 1 लाख करीब हो जाएगा। अच्छा, क्या किसानों ने इस इलाके में केंद्र प्रायोजित मनरेगा योजना से कूप का निर्माण कराया, उसके बाद कूप से सिंचाई की व्यवस्था कर 275 आम्रपाली के पौधे लगाए, साथ ही आम पौधों के बीच कद्दू, कोहड़ा, भिंडी, मिर्च लगाकर सब्जी की मिश्रित खेती का प्रयोग किया। केवल चटकपुर गांव में अभी 22 एकड़ में बागवानी का काम हुआ है और हुसीर, खास हुसीर में हम नहीं कह पा रहे हैं कितना एकड़ में काम हुआ है, लेकिन यहाँ भी बहुत हुआ है। और उसके बाद में यहाँ हम काम करना शुरू किए और अभी यहाँ पर लगभग मेरा 800 पेड़ है, कहने का मतलब मेरा नाम से 800 पेड़ है। हुसीर पंचायत के किसानों को मनरेगा कूप और आम बागवानी में जोड़ने के लिए गैर सरकारी संस्था प्रदान विगत 10 वर्षों से लगातार प्रयासरत है, जिससे गांव की फिजा बदलने लगी है। यहां गांव-गांव में बैठक कर मनरेगा और बिरसा मुंडा आम बागवानी तथा बिरसा हरित ग्राम योजना को धरातल पर उतारा गया है। ये आम बागवानी जो है हम लोग का पंचायत में 1200 एकड़ लगभग आम बागवानी लगवाए हैं। मनरेगा कूप से सिंचाई की व्यवस्था होने से अब सालों भर यहां साग सब्जी के उत्पादन और आम बागवानी से किसानों की आय दोगुनी चौगुनी होने लगी है।
हुसीर पंचायत के 600 किसानों का परिवार अब दाल रोटी और बच्चों की शिक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं है। तोरपा के हुसीर पंचायत में दूर दूर से आम बागवानी की खेती को लोग देखने आते हैं। तो इस तरह के 2-3 लोगों का एक टीम हर आपका क्लस्टर में मिला, तो क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम मनरेगा के तहत में, और उस वक्त जो तत्कालीन सेक्रेटरी थे ग्रामीण विकास विभाग झारखंड में नागेंद्र लाल सिन्हा जी, वो और मनरेगा कमिश्नर जो सिद्धार्थ त्रिपाठी थे। आम बागवानी से अब गांव के अन्य ग्रामीण भी बंजर और खाली पड़े टांड भूमि में गैर सरकारी संस्था प्रदान के मार्ग निर्देशन और मनरेगा के सहयोग से आम बागवानी कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। देवघर के निखिल कश्यप 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने अब तक साइकिल से 13,500 किलोमीटर की यात्रा तय की है। नटराज की भूमि देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और यहाँ के कण कण में भगवान शिव विराजमान हैं। वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। भोलेनाथ की इस नगरी में उनके भक्त भी अद्भुत हैं। बाबा नगरी के निखिल कश्यप 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने अब तक साइकिल से 13,500 किलोमीटर की यात्रा तय की है। मतलब कि कुछ सोच के नहीं निकले थे, पहले हम निकले थे बाइक से, उसमें से हम 5-6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करके आए, उसके बाद फिर हम घर आ गए कुछ कारण से, तो फिर हमको लगा कि नहीं, हमको ये ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो है पूरा करना है और 4 धाम की यात्रा हमको पूरा करना है, तो हम साइकिल लेके फिर से हम निकल गए। निखिल ने साइकिल पर अपनी जरूरत की सामग्रियों को लेकर देवघर से 23 सितंबर 2021 को इस यात्रा की शुरुआत की थी और वे आज फिर देवघर पहुंचे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा वृतांत को साझा करते हुए बताया कि जब वे केदारनाथ पहुंचे तो अपनी साइकिल से ही पहाड़ों पर चढ़ बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। हम ये टोटल मतलब कि 8.5 महीना ये कंप्लीट किए 257 दिन में, और ये 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा, 4 धाम यात्रा जैसे कि जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और द्वारिकाधीश, ये 4 धाम यात्रा होता है। इसमें हम 13,500 किलोमीटर लगभग हम चलाए होंगे। इस यात्रा से निखिल के घर वाले भी बेहद खुश हैं। निखिल की मां ने बताया कि वीडियो कॉल से यात्रा के दौरान परिजनों को उसकी खैरियत मिलती रही। तो मन में थोड़ा तसल्ली मिल जाता था, जो चलो अच्छा काम के लिए निकला है, बाबा बैजनाथ से यही कृपा करते थे जो सही सलामत घूम के आ जाए। वीडियो कॉल तो डेली शाम में हम लोग जानते इंतजार करते थे जो इस टाइम में अपना ये डेरा रखेगा, टेंट लगाएगा, उसके बाद बात डेली करते थे, तब मन में तसल्ली आ जाती थी। निश्चित रूप से जुनून और भगवान शिव की भक्ति के ताकत की वजह से निखिल ने इस कठिन यात्रा को सफल बनाया है। निखिल का सपना है कि वो साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर कर एक कीर्तिमान हासिल करें। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जमशेदपुर में भाजपा बारेडी मंडल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों से मुलाकात की और उनके अनुभव जाने। इस दौरान लोगों ने जल कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची के डेली मार्केट क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने उर्दू लाइब्रेरी, एकरा मस्जिद और संकट मोचन मंदिर के पास स्थायी पुलिस पिकेट पर बल दिया ताकि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसा जा सके। सरायकेला टाउन हॉल में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायालय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं और विभागों के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। इस दौरान दर्जनों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। देवघर खागा थाना अंतर्गत ग्राम शिमला में पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। पुलिस द्वारा आम लोगों से जुड़ने के इस पहल का लोगों ने स्वागत किया तथा अपनी खुशी जाहिर की।
कुटी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री रंजन की उपस्थिति में समाहरणालय के सभागार में गुप्त मतदान के माध्यम से जिला परिषद खूंटी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कार्य कल संपन्न हुआ। जिला परिषद सदस्य मसीह गुड़िया को जिला परिषद खूंटी के अध्यक्ष पद के वास्ते और मंजू देवी को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। उपायुक्त ने जिला परिषद खूंटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया। रामगढ़ उपायुक्त ने जिले को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने और डीएमएफटी के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा के क्रम में गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को ससमय पूर्ण करने के संबंध में अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। रांची में अपराधियों और नक्सलियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से लेवी मांगने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज कई कार्यक्रम हुए और लोगों ने बच्चों को बाल मजदूरी से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इस खास दिवस पर लोगों से बाल श्रम रोकने का संकल्प लेने का आह्वान किया। पलामू में गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे अभिषेक सिंह उर्फ छोटा डब्लू के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से अभिषेक सिंह के भाई और रंगदारी मामले में फरार चल रहे अविनाश उर्फ सरवन सिंह को भी गिरफ्तार किया है। सोहराय चित्रकला की चर्चा मन की बात में किए जाने के बाद अब ये परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम आपको ले चलते हैं हजारीबाग की उस पाठशाला में जहां भविष्य के हुनरमंद सोहराय चित्रकार गढ़े जा रहे हैं। इस परंपरा को यहां पद्मश्री बुलो इमाम की अगली पीढ़ी आगे बढ़ाने में जुटी है। वैसे तो हजारीबाग और सोहराय चित्रकला का नाता काफी पुराना है, लेकिन यह सुर्खियों में तब और ज्यादा आ गया जब हजारीबाग रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के मौके पर इसकी दीवारों पर उकेरे गए चित्रकला का पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया और मन की बात में इसकी चर्चा भी की। हजारीबाग निवासी पद्मश्री बुल्लू इमाम ऐतिहासिक महत्व के धरोहरों की खोज और सोहराय चित्रकला को आगे बढ़ाने में दशकों से लगे रहे हैं। ये झारखंड का स्टेट आर्ट है, तो आप कर क्या रहे हैं आप इसको? आपको ये तो मोदी जी करते किए, नहीं तो नहीं होता कि रेलवे स्टेशन को रंगा दिए, सर्किट हाउसेस को रंगा दिया गया। कुछ तो किया ना भाई, हमको भी पद्मश्री दे इसी का सिलसिला में। अब मेरा कहना है कि हमारा जैसा कि महाराजा का टोपी पहन के जो हवाई जहाज चलती है, तो इसका बदले हम लोग काहे नहीं एक सोहराय एरोप्लेन रंग देते, पूरा एरोप्लेन को रंग दीजिए सर। आज इनका पूरा घर सोहराय का पर्याय नजर आता है। दरअसल उनके आवास पर सोहराय कला की पाठशाला सजती है, जहां इसका शौक रखने वाले भावी चित्रकारों को इसकी बारीकियां बताई जाती है ताकि वो अपना हुनर तराश सके। सोहराय आर्ट यहां का स्टेट का आर्ट है और ये अभी इस जनरेशन में ये लुप्त होते जा रहा है, और यही हजारीबाग में यही एक जगह है जहां से इसको हम नींव से सीख सकते हैं। सोहराय चित्रकला और मॉडर्न आर्ट का यहां अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। यहां चित्रकारी सीख चुकी कई महिलाओं के लिए यह रोजी रोटी का जरिया भी बन चुका है, तो कई युवा यहां अपना कैरियर तलाशने भी आते हैं। रांची में अभी फिलहाल में ही इसको एज अ वोकेशनल कोर्स रखे गया और विनोबा भावे भी इसे एज अ कोर्स रखने के लिए सोच रहे, क्योंकि बेसिकली ये झारखंड का ही मुरल आर्ट है, तो अगर हम ही नहीं सेव करेंगे तो फिर ये कौन करेगा? हम लोग अब इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं और तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा ही इस पर काम करने की ज़रूरत। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति को न्यू इंडिया का बताया आधार स्तंभ। बीते 8 वर्षों में युवाओं के समग्र विकास के लिए हुए कई पहल। 14 जून को करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न दलों के बड़े नेताओं ने संभाला प्रचार का कमान। चुनावी समर जीतने के लिए प्रत्याशी भी जनता से मांग रहे समर्थन। राजधानी रांची में माहौल बेहतर होने से 6 थाना क्षेत्रों को छोड़कर बाकी स्थानों से हटी निषेधाज्ञा। सोशल मीडिया पर पैनी नजर। उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। और सिमडेगा में पुलिस ने सड़क निर्माण कार्य करा रहे संवेदक से रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई हथियार और मोबाइल बरामद।